अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू मामा कूल्स चैनल। आज हम आपको बताते हैं कैसे कोफ्ते बनाते हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। 1 टीस्पून हमने ग्राइंडेड ज़ीरा लिया है, अच्छा, और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 2 टेबलस्पून जो है ये सूखा धनिया है जो हम फ्रेश लेते हैं और उसको पीस के रखते हैं, 1 टीस्पून नमक है, चने और खसखस जो है समझ लीजिए 1.5 टीस्पून लिए हमने, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये चने, और ये ग्राइंडेड जो है ग्राइंड कर लिया है हमने, ये बादाम है इसको हमने 2 टेबलस्पून लिया है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इकट्ठी कर ली है, सूखा मसाला, और 2 टेबलस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक लिया है, अच्छा, और 2 प्याज ली हैं और हरा धनिया लिया है और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ली हैं हमने, और एक समझ लीजिए 1-2 टेबलस्पून तकरीबन हमने ये लिया है मैं क्या कहते हैं बेसन, और हमारा जो कीमा है तकरीबन 2 किलो के करीब है। तो इसमें हम अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अब हम ये जो बेसन है इसको अब हम हल्का हल्का खुशबू कर लें, ज़रा से रोस्ट कर लें ताकि इसका कच्चा पना निकल जाए। अब ये बेसन भुन गया है, कितना खूबसूरत कलर आया है, बस थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए इसका, ये करके इसको साइड रख दें। ये 2 प्याज जो थी इसको आप किसी भी तरह चॉप कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है फाइन किस तरह से चॉप किया जाए, मोटा मोटा काट लें, और काटने के बाद अब देखिए इसको चॉपर में डालना है, और फिर चॉपर में डाल के अब देखिए हरा धनिया है इसको भी चॉपर में डालना है, हरी मिर्चों को भी चॉपर में, सब चीज़ों को आराम से डाल के, और ये देखिए हल्का सा ज़रा सा इसको आहिस्ता आहिस्ता इसका कीमा जो है इसको हल्का सा थोड़ा सा डाल दें ताकि ये भी इसके साथ थोड़ा सा एक दफ़ा घूम जाए, और जितना सूखा मसाला है इसको भी इसी में डालना है, और इसको कीमा इसका इसमें डाल दिया, और अब इसके बाद लहसुन अदरक जो है वो भी डाल देंगे। ये देखिए लहसुन अदरक जो रख दिया था वो भी मिक्स करेंगे, और आखिर में जब ये पिस जाएगा तो फिर हाथ से इसको बेसन को मिला देंगे इसके अंदर। अब ये जो बेसन है अब हम इसको भुना हुआ बेसन है, ठंडा भी हो चुका है, अब इसको निकाल के और इसको हाथ से मिक्स करेंगे। और ये क्यों डल रहा है एक्स्ट्रा बेसन, इस वजह से कि ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, और ये देखिए ये अच्छी तरह बाइंड हो गया है, और इसमें चने और खसखस भी डाले हैं, उससे अलग ही मज़ा आता है, और अगर आपके पास चने हैं तो चने भी बाइंडिंग के लिए काम आते हैं, लेकिन खसखस से जो एक टेस्ट आता है ना वो अलग ही बात है, और ख़ुसूसी तौर पर ये जो कोफ्ते होते हैं इसमें हमेशा खसखस डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसका क्या करना है, अब इसको बॉल बना बना के ज़रा सा हल्का सा पानी आप लगा सकती हैं या ऑयल भी लगा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कितनी बड़ी बॉल्स बनाएं, हम दरमियाने साइज़ की बॉल बनाएंगे, ऐसे करके गोल गोल करके रखते रहिए, जब ये बन जाएंगी तो फिर इसके बाद आपको बताते हैं। कोफ्ते की बॉल्स बन गई हैं, और अब तेल जो है हमने इसमें डाला है फ्राई पैन में नॉनस्टिक में, और अब आपके ये ऑप्शनल है कि बाज़े लोग जो हैं कोफ्ते जो हैं फ्राई करके डालते हैं, बाज़े लोग सालन बनाने के बाद उसमें डालते हैं, दिस इज़ योर चॉइस, लेकिन ज़रा अच्छा लगता है, बाइंडिंग भी पता चल जाती है कि फैल नहीं रहा कोफ्ता। तो देखिए अब ये फ्राई होने के लिए हमने थोड़ा सा बस फ्राई करना है इसको ऊपर से, ताकि हल्के ऐसे वो सिक जाए, मतलब ज़रा से क्रिस्पी थोड़े से हो जाए। ये देखिए जैसे जैसे ये कोफ्ते जो हैं ये देखिए जैसे जैसे कोफ्ते होते जा रहे हैं हम उसको निकालते जा रहे हैं हल्के हल्के, ये देखिए ऐसे गोल्डन गोल्डन कलर के हो गए हैं, और पता भी चल जाएगा इसमें कि भाई टूट तो नहीं रहे, अब देखिए कितने फर्स्ट क्लास बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, और इसका आप मस्त कर कीजिएगा कि कच्चे पक्के मिक्स हो रहे हैं, नो वे, इसलिए कि इसको फिर अभी मसाले में डाल के और फिर आराम से चूल्हे में पकेंगे ये,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ ऊपर से इसको गोल्डन करना चाह रहे हैं ताकि अच्छे दिखें और दिखने में भी अच्छे लगें और क्रिस्पीनेस आ जाती है और इससे पता भी चल जाता है कि छूटो नहीं रहे हमारे कोफ्ते। ये देखिए गोल्डन हो गए और हमने इसको सब यहाँ रख दिया है। अब हम मसाले की तरफ चलते हैं कि अब सालन कैसे बनाएं और भुना भुना हम बनाएंगे ताकि रमज़ान है तो आराम से खा लिया जाए रोटी के साथ। और देखिए हमने ये 3, 6, 7 हमने अनियंस ली हैं, इसलिए कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, आपको पता है, तो जितना मसाला डालेंगे उतना ही मज़े का खाना होगा। और ये हम अब हम चॉप कर रहे हैं, इसको भी चॉप कर रहे हैं, फिर इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। देखिए सूखे मसाले में हमारे पास है 3 टेबल स्पून ये हमने जो पीसा था एलमंड्स, इसको बारीक पीस लिया। अच्छा, ये 3 टेबल स्पून हमारे पास धनिया है सूखा जो हम फ्रेश लेते हैं हमेशा और इसको ग्राइंड करके रखते हैं, इसकी खुशबू बिल्कुल ही अलग और यूनिक होती है खाने में मसालों में। और 1 टीस्पून जो है ये है सॉल्ट है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून। और ये देखिए ये लहसुन अदरक है 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक। और हमने 7 ये अनियंस ले ली हैं, 7 प्याज है, इसको बारीक बारीक काटेंगे और टमाटर को चॉप करेंगे। ये हमारे पास जो है टोमेटो पेस्ट है ताकि टोमेटो का पेस्ट है ताकि कलर भी आ जाए। और ये 1/2 कप जो है ये हमारे पास योगर्ट है। तो अब हम आपको स्लाइस करके और स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाते हैं। चॉपिंग अनियन इन स्लाइसेस। देखिए प्याज काट के रख दी है और अब इसकी टमाटर की बारी आ गई है और अब इसको भी फाइनली काटें या जैसे भी काटें, कोई इतना वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट जिस तरह से आप काटना चाहे करिए। इसलिए कि सारा मसाला बनेगा अभी तो मसाले में सब मेल्ट हो जाएगी और भुन जाएगा मसाला। ये जो प्याज काटी थी वो सब डाल दिए, ये देखिए अब इसको फ्राई करने के लिए करके रखना है तेज चूल्हे पर। जैसे ये गोल्डन होगी आपको हम दिखाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे ये टमाटर रखे हैं, ये सारा मसाला रखना है रखा है, ये सब चीज़ें रखी हैं। ज़रा प्याज हो जाए गोल्डन फिर अब आपको बताते हैं। अब इसका टाइम आ चुका है, 20 मिनट से ये प्याज जो है गुलाबी हो रही थी, अब देखिए गोल्डन कलर हो गया है। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए ये जो सब मसाले थे हमने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च जो ऑर्डिनरी होती है वो भी डाल दी है, इसलिए कि हमें लग रहा था कहीं ज़्यादा ही फीका ना हो जाए मसाला, तो हम आपको मेंशन करना वहाँ पर भूल गए थे जब हमने ये मसाला बनाया था। ये हो गया और अब देखिए इसको हल्का से चलाना है, ये देखिए प्याज में कि जले नहीं। अब इसके बाद इसमें टमाटर डालना है, ये देखिए सारे जो टमाटर चॉप करे हुए थे वो सब डाल दिए। ये इसके बाद इसको अच्छी तरह, इसमें देखें ऑयल कम है, ऑयल में ज़रा हाथ हल्का ही रखें तो बेहतर है। अब ये देखिएगा खुद ही फुलाएगा और ये जो कोफ्ते हमने किए हैं इसके अंदर भी ऑयल है थोड़ा सा, तो वो भी आएगा अभी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़रा सा पानी डालें और इसको भूनें और तेज़ चूल्हे पे रखिए ताकि ना, ये देखिए थोड़ा सा ये हो गया भुनना कम, अब इसको और भूनना है। और भूनते वक्त फिर इसको ज़रा सा भून के मसाला जब ज़रा सा और भुन जाए फिर इसके बाद इसके अंदर हम आपको बताते हैं दही डालना है और ये टोमेटो पेस्ट। मसाला जो है इसका टमाटर वगैरह घुल रहा है और ये थोड़ा सा अब ऐसा हो गया पेस्ट जैसा। अब इसके अंदर हमको ये देखिए 1/2 कप हमने योगर्ट डाला और इसका ये देखिए ये तकरीबन 1
कप समझ लीजिए ये है टोमेटो पेस्ट है, अंदाजे से ले लीजिए 1 कप, 1/2 कप, जितना भी आपको दिल चाह रहा है। कोई इसमें पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि आपको इतना ही डालना है जितना लिखा है। ये देखिए, अब इसको मसाले को भूनना है और ज़्यादा, जब तक कि इसका तेल हल्का सा वो ना हो जाए। और अभी थोड़ा सा देखेंगे, अगर ज़रा सा ऑयल डालने की ज़रूरत होगी थोड़ा सा डालते हैं अभी। ये देखिए, हम 1/4 कप जो है ऑयल डाल रहे हैं, लग रहा है हमें कम है, तो अब इसको इसके साथ और भूनना है। अभी देखिए कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है, लेकिन और इसको ड्राई करना है। मसाला तकरीबन भुन गया है, अब इसको देखिए कोफ्तों पर डाल के इसमें और चमचे चलाने हैं और इसको हल्का सा भून के इसमें पानी डाल के थोड़ी देर इसको दम पे रख देना है। कितना अच्छा भुनने पे आ गया, और अभी ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस अब डिश आउट करने का टाइम आ गया है। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है, और ऑयल कम ही है, आपकी मर्ज़ी थोड़ा सा और डाल दें। ये देखिए अब डिश आउट कर लिया है, तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो गार्निशिंग कर लीजिए इसको थोड़ा सी पुदीने के साथ। ये देखिए थोड़ा से अच्छी तरह अच्छा लगता है, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन। ये देखिए अब हमारी ये डिश तैयार है। आप भूलिएगा नहीं, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो ज़रूर बताइए। और इंशाल्लाह ताला अब दूसरी रेसिपी लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।